हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 18, फोर टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर इज 18 मोर देन ट्राइस द फर्स्ट नंबर, फाइंड सम ऑफ बोथ नंबर्स। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, उनका हमें सम पता करना है, और जो डिफरेंस है उनका वो है 18। और एक तो ये डिफरेंस बता दे, दूसरा क्या बता दिए, जो फोर टाइम्स सेकंड्स का फोर टाइम्स किसके बराबर है, फर्स्ट के थ्री टाइम्स से 18 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लेट हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है हमारा x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बोला है इन्होंने, तो x माइनस 18 हो सकता है। हो सकता है दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर है हमारा लेट मान लेते हैं x है, तो सेकंड नंबर x माइनस 18 लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड का, जो डिफरेंस है वो है 18 का। ठीक है दोस्तों, अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड है उसका फोर टाइम, तो सेकंड क्या x माइनस 18, x माइनस 18 बाहर लिख लिया हमने, 4 इंटू 4 कर दिया, वो किसके बराबर है, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट से 18 ज़्यादा है। तो 18 ज़्यादा कर दिया उसमें, 18 प्लस थ्री टाइम ऑफ द फर्स्ट 3x कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस 72 इज इक्वल टू 18 प्लस 3x, और 4x माइनस 3x, 3x इधर आ जाता है, 72 उधर जाके प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हो जाती है 90। तो x क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर क्या होगा, 90 माइनस 18 72। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकंड नंबर। इन्होंने क्या बोला, दोनों का प्लस पता करना है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 90 प्लस 72 कितना आ जाता है, 162। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा, सिंपल था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।